हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप ड्रीम इलेवन में हार हार के परेशान हैं और आप जो है अभी तक टॉप रैंक नहीं आ पाए हैं तो किस तरह से टॉप रैंक आएगा। इस वीडियो में आपको हम एक ट्रिक बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप जीत सकते हैं। तो वो ट्रिक क्या है यहाँ पर जान लेते हैं। उसके पहले ये साबित करते हैं कि रैंक वन क्यों नहीं आता है। तो पहले मैच में सीएसके वर्सेस आरसीबी का जो ड्रीम टीम में जितने भी प्लेयर्स थे वो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो ड्रीम टीम में प्लेयर थे वो सिलेक्टेड परसेंटेज में कितना कितना वाला ज़्यादा था और जो भी ज़्यादा परसेंट था वो चले या ना चले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रचिन रविंद्रा जो है सबसे ज़्यादा है 72%। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउडू प्लेसेज 76%। उसके बाद जडेजा 86%। तो यहाँ पे तीन को प्लेयर ऐसे हैं जो है चले हैं और बाकी जो प्लेयर नहीं चले हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं विराट कोहली नहीं चले 87% लोग फ्लॉप हो गए। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ नहीं चले 82% सिलेक्टेड तो नहीं चले थे। ग्लेन मैक्सवेल 91% इनको सिलेक्ट किया था और ये नहीं चले। मोहम्मद सिराज 77% सिलेक्ट किए नहीं चला। तो यहाँ पे आप देख लिए कि जो प्लेयर है कौन कौन प्लेयर चल रहे हैं और कौन कौन प्लेयर नहीं चल रहे हैं। अब यहाँ पर दूसरे मैच में बात कर लेता हूँ जो पंजाब किंग्स वर्सेज दिल्ली का हुआ था। तो यहाँ पर जो सिलेक्टेड परसेंटेज है यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो सैम करन देख सकते हैं यहाँ पर 83%। ये सही है क्योंकि लोगों ने सिलेक्ट किया तो ये चला। अब यहाँ पे कुलदीप यादव भी सही है, हर्षदीप सिंह भी सही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं डेविड वार्नर भी सही है। अब यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अक्षर पटेल 79% लोगों ने सिलेक्ट किया। शेखर धवन को 83% लोगों ने सिलेक्ट किया। मिचेल मार्श को 91% लोगों ने सिलेक्ट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से फिर भी ये नहीं चल पाए और आप जो है इन्हीं लोग को सिलेक्ट करते करते आप जो हारते गए। अब यहाँ पे तीसरे मैच का बात कर लेते हैं केकेआर वर्सेस एसआरएच का। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सिलेक्टेड परसेंटेज वाले यहाँ पे देख सकते हैं रसेल 85% सिलेक्टेड सही है, क्लासन 85% सिलेक्टेड सही है और यहाँ पे जो ड्रीम टीम में देख सकते हैं 80% सिलेक्टेड है रिंकू सिंह, ये भी सही है। पैट कमिंस भी सही है 75% सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे मार्करम 84% सिलेक्टेड है लेकिन नहीं चले। जेंसन 79% सिलेक्टेड है नहीं चले। श्रेयस अय्यर 78% सिलेक्टेड नहीं चले। मिचेल स्टार्क्स 85% सिलेक्टेड है नहीं चले। यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं तो देख सकते हैं कि आधा प्लेयर जो है 70% से ऊपर वाले चलते हैं और आधा जो है नहीं चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख लिए कि 1, 2, 4 प्लेयर ऐसे हैं जो 70% से ऊपर सिलेक्टेड हैं वो चले हैं और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 4 प्लेयर ऐसे हैं और जो 4 प्लेयर ऐसे हैं लेकिन नहीं चले हैं। अब यहाँ पे चौथे मैच का बात कर लेता हूँ। ये जो मैच हुआ था राजस्थान वाले वर्सेस लखनऊ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्टेड वाइज में यहाँ पे देख सकते हैं 80% सिलेक्टेड के राहुल चले हैं, 77% सिलेक्टेड ट्रेन बोल्ट चले हैं, 92% सिलेक्टेड जयसवाल चले हैं, चहल जो है 72% चले हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते रवि बिश्नोई 70%, 83% बटलर नहीं चले हैं, 85% एस्टोनिश नहीं चले हैं। यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं तो 4 प्लेयर ऐसे हैं जो 70% से ऊपर चले हैं और 3 ऐसे हैं जो 70% से ऊपर जो है सिलेक्टेड है लेकिन नहीं चले हैं। अब यहाँ पे पांचवें मैच के बारे में बात कर लेते हैं जो मैच हुआ था गुजरात टाइटंस वर्सेज मुंबई इंडियंस का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सिलेक्टेड परसेंटेज है सबसे पहले बुमराह को देख सकते हैं 88% सिलेक्टेड है, ये चले हैं सही बात है। उमर जाई 74% है, ये भी सही ठीक ठाक है। रोहित शर्मा 86% सिलेक्टेड है, ये भी चले हैं सही है। 3 प्लेयर ऐसे हैं जो 70% से ऊपर है जो चले हैं और बाकी प्लेयर देख सकते हैं इधर नीचे में हार्दिक पांड्या 91% सिलेक्टेड है नहीं चले हैं। ईशान किशन 87% सिलेक्टेड है नहीं चले हैं। शुभम गिल 88.50% सिलेक्टेड है नहीं चले हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि 3 प्लेयर जो है 70% से ऊपर सिलेक्टेड है वो चले हैं और 3 प्लेयर ऐसे हैं जो 70% से ऊपर सिलेक्टेड है वो नहीं चले हैं। अब बात कर लेते हैं आईपीएल का छठा मैच जो आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सिलेक्टेड परसेंटेज है सबसे पहले यहाँ पर नज़र डालेंगे विराट कोहली है 89.79%, ये चले हैं सही है। सैम करन 89% सिलेक्टेड है, ये भी सही है। शेखर धवन 75% सिलेक्टेड है, ये भी सही है। ग्लेन मैक्सवेल 88.27% सिलेक्टेड, ये भी सही है। मोहम्मद सिराज 70% सिलेक्टेड, ये भी सही है। अब यहाँ पे नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे आप जब देखेंगे कि कैमरन ग्रीन है 82.81% सिलेक्टेड, वो ये नहीं चले। फावड़ू प्लेसी 87.28% सिलेक्टेड, ये नहीं चले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 70% से ऊपर प्लेयर चले हैं और 70% से ऊपर 2 प्लेयर ऐसे हैं जो नहीं चले हैं।
अब देख लेते हैं सातवें मैच का। तो सातवां मैच चेन्नई वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं सिलेक्टेड परसेंटेज में, आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्लेयर को सिलेक्ट कर रहे हैं वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे सिलेक्टेड वाई परसेंटेज में देखने से ही पता चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रचिन रविंद्र 89% सिलेक्टेड सही है, साहा 85% सिलेक्टेड है वो सही है, गायकवाड 83% सिलेक्टेड है वो सही है, मुस्तफिजुर रहमान 74% सिलेक्टेड है ये भी सही है, राशिद खान 78.93% सिलेक्टेड ये भी सही है। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उमर जाई 83.08% जो सिलेक्ट 83.08% सिलेक्टेड है ये नहीं चले, शुभम गिल 88.03% सिलेक्टेड है वो नहीं चले, और यहाँ पे रविंद्र जडेजा 83.10% सिलेक्टेड ये नहीं चले। तो यहाँ पे कुल मिला के बात ये है 80% से ऊपर जो है 6 प्लेयर सिलेक्टेड है, जो 3 प्लेयर चले हैं और 3 प्लेयर नहीं चले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 प्लेयर चले हैं, रचिन रविंद्र, साहा और गायकवाड़, और 3 प्लेयर जो नहीं चले हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं उमर जाई, शुभम गिल और रविंद्र जडेजा। तो इतनी सारी टीमों देखने के बाद आपको ये पता चल रहा होगा कि 80% से ऊपर जितने भी प्लेयर्स होते हैं आधा चलते हैं और आधा फ्लॉप हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस एक ट्रिक यही है कि जितने भी 80% से ऊपर, यानी कि 80% से ऊपर सिलेक्टेड होंगे, जैसे कि 6 प्लेयर सिलेक्ट होंगे 80% से ऊपर, लेकिन उसमें से 3 प्लेयर चलेंगे, और अगर 5 प्लेयर सिलेक्ट हैं तो उसमें से भी 2 प्लेयर या 3 प्लेयर चल सकते हैं, अगर 4 प्लेयर सिलेक्ट रहेंगे तो 2 प्लेयर चल सकते हैं, अगर 2 प्लेयर 80% से ऊपर सिलेक्ट है तो 1 प्लेयर चल सकते हैं। तो ऐसा अभी तक मुझे देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जब आप टीम बनाएंगे तो आपको अधिक चांस बन जाएगा कि आप जो है रैंकिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।